मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई सुबह हो चुकी है और अपन भाई सब के सब उठ चुके हैं। बहुत हल्ला हो रहा है पूरे होटल में और सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप लोगों को दिखाता हूँ होटल से अपने। भाई एकदम फ्रेश एयर आ रही है ऐसे, बिल्कुल। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है बालकनी से। तो ये है अपने होटल की बालकनी, नीचे है प्रोग्राम और यहाँ से पूरा सीन ऐसा है। और उस तरफ है केदार घाटी। भाई अपन लोग करते हैं व्यू एंजॉय और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। नहाते धोते हैं और हल्दी के लिए रेडी होते हैं। अपन तो हो गए हैं हल्दी के लिए रेडी और भाई इस रूम की हालत स्कटेड सी हो गई है, मतलब सब कुछ गंदी तरीके से बिखर बिखर गया है। और मम्मी और दिव्य लोग हो गए रेडी और हमेशा की तरह ये लेट लतीफ रेडी नहीं हुआ। तो यार चलते हैं और बाहर छोटे मोटे काम करते हैं क्योंकि रूम में थोड़ा बाहर मौसम के नज़ारे भी देखते हैं। तो भाई यहाँ भी चल रही है फोटोशूट की प्रिपरेशन। अपन लोगों ने अपना फोटोशूट करा है। तो व्यू होटल कुछ ऐसा है, सब लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ दिव्या रील्स बनाने के लिए रेडी हो चुकी है और अपन ने तो बना ली भाई बेकार मनी पर। और यहाँ से जा रही है सारी केदारनाथ बद्रीनाथ की बसेस। भाई हल्दी वल्दी का फंक्शन चल रहा है अपनी वैन का और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का हल्दी का फंक्शन। यहाँ पे लेडीज कैंप और यहाँ पर मम्मी नानी लोग सारे बैठे हुए हैं। अरे दिव्या So, hello, मित्रों, फाइनली हम फिर से अपनी कल वाली डेस्टिनेशन पहुंच गए। एक्चुअली में कल भाई और दिव्या नहीं आए थे तो मेहंदी वेहंदी पहन का हो गया था और उसको हल्दी हुई, उसके बाद अपन लोगों ने लंच किया। उसके बाद अब खाली थे तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही था तो अपन लोग फिर दिव्या और प्रवीण को भी यहाँ घुमाने ले आए। तो ठीक है यार, इन दोनों को घुमाना जरूरी है, ये भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो भाई और धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे इस टाइम तो, कल और पर कल उमस हो रही है, हवा चल रही है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पंडित जी बैठे हैं तो कल नहीं थे। शिव शंकर भगवान। तो भाई ये है अपना पूरा, ये अपना नेचुरल रिसोर्स। तो भाई ये मंदिर का नज़ारा, कल रात का सीन था तो नहीं दिख रहा था ये नंदी भगवान और अंदर गुफा भी है। अभी चलते हैं, पहले पूजा वूजा करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ से निकलने का समय आ चुका है और क्या बोलना चाहते हैं? मैं, ये मेरी भाभी है, इनका सगोर नहीं, अपने टीम में संभाल लेगा, इनको ये सिखाया जाए। भाई ये पागल लड़की यहाँ पर ऐसी चल रही थी, अभी फिर बाबा जी ने बोला कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर कोई डूब गया था तब जाके लड़की ऊपर आई। सो भाई अभी एक स्टेटमेंट आई है, बात करते करते इन दोनों को कैलाश पर्वत जाना है। तो कल सुबह की पहली ट्रेन से ये दोनों कैलाश पर्वत जा रहे हैं, हम तो भैया कहीं और जाएंगे। मैंने बोला कोई नहीं जा सकता है। नहीं तूने बोला था मैं जा सकते हैं। नहीं जा सकता है। अरे सबरो नहीं जा सकता। कान ठीक करवाइए प्लीज। यार मैंने परसों तो अभी कान साफ करवाए थे, सॉरी गाइस थोड़ा सा उल्टा हो गया। अन्नी का मतलब ऐसा भयंकर रूप है ना ये, मतलब पर है ना पानी कितना गंदा है ना, कितना मैला है, पर भाई जब पीने लगो तो फिर यही अमृत है, गंगा जी का पानी। दोस्तों काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ी, ज़्यादा तो नहीं थी 200 मीटर थी, पूरा स्वेट स्वेट हो गया, पूरा बॉडी टी शर्ट ही पूरी गीली हो गई पसीने से। कल वाले कपड़े थे यार क्योंकि धोने पड़ेंगे सारे होटल में जाकर, यार फिर टाइम नहीं लग पाया, तो आज कपड़े ही वॉश कर रहे हैं। एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा कपड़े लाया पर फिर भी कहीं बारिश हो गई थी, कल गंदे हो गए थे फिर पहन गए थे फिर। तो ठीक है फिर चलते हैं अपनी गाड़ी की और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं थक गया हूँ, प्रवीण का वेट करता, प्रवीण आ गया तो गाड़ी की चाबी देता है और प्रवीण स्टार्ट करेगा। सर चलाया भाई, स्टार्ट कर गाड़ी। तो प्रवीण चला रहा है गाड़ी, तो अपन चलते हैं फिर बैठते हैं और भाई एसी का खाते हैं। प्रवीण गाड़ी चला रहा है अपने, फिर बैठ कर थोड़ी सी नींद मार लेते हैं यार, लंबी देर पर नींद मार लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे दूसरी जगह। तो बाय बाय। अपन लोग तो पहुँच गए थे रुद्रप्रयाग मार्केट और यहाँ पे कर रहा है सोम का वेट, और सोम पता नहीं कहाँ रह गया, संभाल लेते हैं। और ये पूरा का पूरा है
रुद्रप्रयाग मार्केट। और गाड़ी अपनी लिटल ऐसी पूरी गंदी हुई पड़ी है ना, ली थी गाड़ी क्लीन करने वाली, बट वो भी बंद हो भी खुली नहीं है। तो भाई शोम का वेट करता करता 15-20 मिनट हो गए, पता नहीं अभी तक कहाँ रह गए। मतलब अब दिव्या के लिए कुछ सामान लेने गया था, दिव्या ने कुछ मंगाया था, तो अभी पता नहीं कहाँ है। तो यार उसका वेट करते हैं, अभी तक कॉल फ़ोन भी वो लेके नहीं आया फ़ोन घर, और हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे हैं कुछ नज़ारे यहाँ की वैली के। तो भाई मैं और दिव्या अब जा रहे हैं शोम को ढूंढने आगे, क्योंकि सामान वो दिव्या के लेने गया था। यहाँ पे झरना है बड़ा प्यारा भाई, सोम तो हमको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और पूरा मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म होने लगा। मतलब पहाड़ों का मार्केट छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े तो होते नहीं है। दिव्या आपने भेजा था भाई, मैं आप ही लेके आओ, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। सो भाई मैं तो वापस जा रहा हूँ गाड़ी से होटल, मैं ही ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा कहाँ चला गया वो भाई। तो हमें मोमोज की शॉप दिख गई, और गलती से हमें सोम भाई पे दिख गया था, तो यहाँ से मोमोज पैक करा लेते अगर बढ़िया होते हैं। कितनी दूर से ले गया था सामान लेने? 200 जहाँ से मोड़ था हम ऊपर नहीं आते हैं वहीं पे। भाई एक घंटे बाद आया, बता हद्दी हो गई यार। निकलते हैं, चलो यार जल्दी चलो। सो मच लेटर। पर लेडी वीडियो हो गए थे बहन की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए हमारी प्यारी बहन आती हुई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे यार, बढ़िया रहना यार। कल रात को ब्लॉग एंड करना भूल गया था, और सुबह उठ के तो बहुत ज़्यादा नींद ना लगी थी रात को बहन की शादी देखते देखते। और भाग्य कुछ ऐसा नज़र, रात को इतनी बारिश हुई ना कि पूरा टेंट वेंट गीला हो गया है, पूरा टेंट वेंट सब कुछ गीला हो रखा है। और आज इतनी भयंकर धूप है गर्मी वाली, और सोम भाई की हालत देखो, पूरी रात सोई नहीं है, इनको नींद आ रही है। और पन्ने तो थोड़ी देर नींद पूरी कर ली थी, अभी आया बस बहन की विदाई हो रही है, तो मिलना है अभी बस थोड़ी देर में बहन की विदाई होगी और फिर आपसे मिलते हैं। तो ठीक है यार, सैड मोमेंट हमारे लिए, हमने अपनी छोटी बहन को कर दिया है आज विदा, और उसको भी उसके ससुराल में छोड़ के, उसके ससुराल से मतलब पास में ही है। और ये कुछ ऐसा है नज़ारा, एंड रियली वो बहन हमारे दिल के बहुत करीब थी। तो भाई अपनी गाड़ी घटिए थोड़ी दूर, और शिवम भाई कैसे लग रहा है बहन को विदा करने के बाद? सैड मोमेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज वो बहन सबके दिल के करीब थी बहुत ज़्यादा, मतलब और भी थी बट उसका सबसे थोड़ा सा अलग ही अट्रैक्शन था। बट ठीक है यार, तो चलते हैं अपनी गाड़ी खड़ी है और फटाफट घर जाते हैं, कपड़े को कर से चेंज, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और कहीं निकलते हैं घूमने के लिए। तो दोस्त अपना एक हम बढ़िया से ट्रैक पर जा रहे हैं, और वो बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, मतलब वहाँ से कैलाश पर्वत दिखता है बिल्कुल सामने, और चंपा पीक दिखता है बिल्कुल सामने। पहले सो करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट, फटाफट जाते हैं रेडी होते हैं और निकलते हैं गाड़ी लेकर। ले आ गए अपने रूम पर और करते स्टार्ट
जाने की तैयारी में, पता नहीं क्या ही सोच रहे। और अपन भी यार अब नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट ट्रैकिंग के लिए। और भाई आज का ट्रैक और कल का ट्रैक जो होने वाला ना, मतलब वो एक नंबर होने वाला है। फिर निकलते हैं और यस, तो मेरी दोनों नेक्स्ट वीडियो तो जरूर 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 देखने की, जहाँ हम बेहतरीन लोकेशन में जा रहे हैं, बहुत ही मस्त जगह होने वाली है। तो चलते हैं यार, रेडी होते हैं, नहाते धोते, क्योंकि ट्रैक ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का आज का कल का भी। तो चलते हैं फटाफट से, निकलते हैं घर से। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी बढ़िया सी नई वीडियो और नए ट्रैवल ब्लॉग पर। बाय। We'll be right back.